सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स गुड डे, लवली डे, एंड अभी गुड बाय बोलने का समय आ गया है तनांग को। एंड यहाँ से अगले प्रोविंस में जा रहा हूँ, पूरा कोस्टल रोड पकड़ के मैं अब यहाँ से निकलूँगा। क्वान वान करके एक प्रोविंस है, वो भी बीच साइड ही है। सो अभी बस के लिए जा रहा हूँ, देन हाईवे पे जाके देखूँगा कुछ मिलता है क्या। अभी बज रहे हैं 12:01 के अराउंड हो रहे हैं, हॉस्टल से चेकआउट किया एंड अभी मैं जा रहा हूँ। तो पहुंच गया हूँ, बट यहाँ इतनी बारिश हो रही है, खड़ा हूँ अभी, मतलब बारिश मेरे से अलग ही बदला ले रही है यार। थोड़ी एक घंटे रुक जाती तो थोड़ा सुकून हो जाता। अब कहीं से छाता भी ढूंढना पड़ेगा, पहले एक छाता खरीद लेता हूँ यार, बहुत काम आएगा। तो हाईवे पे तो आगे खड़े हो गए, यहाँ लोग देख रहे हैं मुझे। एंड ये है अपना बोर्ड, यहाँ जाना है। देखते हैं, थोड़ी बारिश बंद हो जाती तो मैं थोड़ा आगे चले जाता हाईवे पे, बट बारिश का ही समझ नहीं आ रहा यार। बारिश हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है, पर 5-5 मिनट के लिए हो ही रही है। एक घंटे बस मेरे को हॉल्ट देते बारिश, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। पीछे एक अंकल मिले मुझे, समझाने ट्राई कर रहे हैं कि बेटा 300-400 किलोमीटर है, कैसे जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, बोल रहे नहीं नहीं, मेरा हाथ पकड़ रहे, बोलते रहे कैसे जाएगा 300-400 यार। वो तो देखेंगे अब कैसे जाऊँगा, पर मैं तो जाऊँगा, देखते कैसे जाएंगे। ये देख के देखते हैं। भाई आगे तक जा रहे तो आगे तक छोड़ देंगे, बोले आगे तो और कुछ देखना। छोटी सी ट्रैक है, छोटी सी ट्रैक का नहीं है। हाँ ट्राई कर रहे हैं और किसी को रुकाने का, पर मैं बोला कुछ नहीं, मेरे को मिल जाएगा आगे से। बस यार बारिश कम हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत गलत टाइम पर निकला हूँ। तो भाई उनने तो मुझे 20 किलोमीटर छोड़ा है, उसके बाद यहाँ बारिश रुक ही नहीं रही है। मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, एक कोना पकड़ के बैठा, बहुत सारा वीडियो एडिट किया, बट बारिश ही नहीं रुक रही यार। अभी मैं ये खड़ा हूँ, थोड़ी कम बारिश हुई तो ही रुक रहा है क्या यार ये बारिश। रुक गए फाइनली यार, इतने देर के वेट के बाद। गोइंग दिस वे। सो भाई इतने देर के बाद लिफ्ट मिल गई, वो भी डायरेक्टली क्वीन यूआन के लिए, जो कि है अराउंड मतलब 300 किलोमीटर के अराउंड ये। एंड ये भाई ने लिफ्ट दी है, ये दोनों भाई ने। सिन चाओ नुमन लम 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 Lam and Nguyen. Yeah, I got chicken and egg. तो हम लोग खाना खाने बैठे, खा के दिन अगेन ट्रक में जाएंगे। तो खा के निकल गए। चिकन, थोड़ा चिकन था, चिकन राइस। हाँ गाँव में यार चिकन राइस में मिल गया, अच्छी बात है। और एक बात है कि इंडिया जैसे मैंने जैसे
चिकन बनाया था वो नूहन के घर पे, वैसा इंडिया जैसा चिकन मिला है यहाँ पे एकदम ग्रेवी, मतलब यहाँ पे भी खाते हैं, मैं सोचता था कि यहाँ पे नहीं खाते बट यहाँ भी वैसे खाते हैं। ये हम निकल पड़े यार, यहाँ के लोग लाइफ से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, सारे फेसबुक पे लाइव जाते हैं, लाइव फेसबुक। Lòng nhói đau, tình yêu với em như thế sao? Vẫn yêu anh, nhưng yêu thêm một người. पूरा दिन लाइव रहते हैं सब फेसबुक पे, हर जगह लोग। यहाँ भी है भाई, ट्रक चला रहे, ट्रक के साथ साथ लाइव है। Vietnam number one. Yes. Yes. Hello, hey Shalo, hey Shalili. Đây là bạn Lý Hồng. सो जस्ट ट्रक के साथ मैं आया, उन्होंने मुझे यहाँ एक 70 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पे छोड़ा है, बिकॉज अभी तो वैसे सो के उठा, आवाज़ ऐसी आ रही है। ट्रक में अच्छा सोया था, 300 किलोमीटर के ऊपर आ गया, देन यहाँ से एक रास्ता कट जाता है, तो वो ट्रक वाले वहाँ जा रहे थे, उन्होंने उधर अपना मुझे इधर छोड़ के वो वहाँ से निकल गए। अब यहाँ से जाना है मुझे 70 किलोमीटर, जो कि 70 किलोमीटर के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इस रोड पे कुछ नहीं आता जाता, पूरा खाली रोड है, बस एक पेट्रोल पंप है, इतनी देर से एक गाड़ी पास नहीं हुई है। तो बस अब यहीं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। एक छोटा लड़का है, अच्छा सही बंदा है। हम लोग ने अभी पूरा मैच देखा है यहाँ, अर्जेंटीना नीदरलैंड का। आज का दिन शुरू हो चुका है, मतलब अभी मैं बड़ी एक लंबे से कंटेनर में लिफ्ट में आया, काफ़ी स्लो चलता है, बहुत ही बड़ा कंटेनर है यहाँ पे, अच्छा खासा रूम है, एक दिन के बड़ा रूम है, 10x10 का जो हो गई इतने सारे फंक्शन। हेलो मेरे भाई ने मुझे पेट्रोल पंप में से देखा है, खुद ही रुका दिया, मैं को पिक कर लिया, बाद में कुछ बातें भी नहीं की, जस्ट मुझे बोला जिधर जाना मैं छोड़ दूंगा, मैं बोला अरे सही है, और यहाँ से डायरेक्टली मेरे हॉस्टल जाऊँगा, सो जाऊँगा, रात भर से नींद सही से नहीं हुई है, नींद मतलब मैं यहाँ पे सुबह 5 बजे 4:30-5 बजे पहुँचा, तब से अभी बज रहा 6:30, 1 घंटा तो वेट कर रहा है, मतलब हिच हाइकिंग में स्ट्रगल यहीं है, यहाँ पे कैसे गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, आधे पौने मतलब 15-20 मिनट में आधे घंटे में एक गाड़ी जा रही है, और वो गाड़ी पे नहीं रुक रही है, तो स्ट्रगल यहाँ थी, बट कुछ नहीं हो गया। तो मैं यहाँ के जितने भी काफ़ी मस्त एडवेंचर चल रहा है मेरा, यहाँ के जितने भी ट्रक्स हैं, हर टाइप के ट्रक्स में बैठ चुका हूँ, मतलब जो कार लोड करते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स लोड करते हैं, मतलब सारे, ये ट्रक भी बहुत बड़ा है, मतलब इसमें 22 टायर्स का ट्रक है ये, और मतलब इतना अच्छा अंदर से, मतलब पूरा एसी एंड सीट पे इतना अच्छा सस्पेंशन लगा, थोड़ा भी रोड्स पे जो होल है वो सब कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत ही सही है। क्या पता ये ट्रक्स इंडिया में है कि नहीं, मैंने अभी तक देखे नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी सही एडवेंचर चल रहा है, जितने भी ट्रक्स है सारे ट्रक्स में बैठ चुका हूँ अब तक 15 दिनों में, आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है बैठने। यस एंड रेड बुल तो यहाँ भाई पानी से सस्ता है, मतलब जो ट्रक में जा रहा हूँ मेरे को डायरेक्टली ऐसा ये रखा है छोटा सा बॉक्स, उसमें से निकाल के एक रेड बुल दे दे रहे हैं, मतलब हर किसी के पास भर भर के रेड बुल रखा है। एंड सही बता दो यार, मुझे ऐसे ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट बस एंड ट्रेन से ट्रैवल करने में, मतलब वो तो मैं इंडिया में भी कर सकता हूँ एंड किया भी हूँ हर जगह, बट ये एक्सपीरियंस मेरे को शायद नहीं मिलता था अगर मैं ऐसा ट्रैवल नहीं करता।
और वहाँ से सच में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है इसमें। थोड़ी देर हाँ खड़े रहना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, बट जो मिलता है वही कम्फर्ट में तो कोई इस मतलब स्लीपर फर्स्ट क्लास जो बस होती है वो भी इसका कम्फर्ट कंपेयर नहीं कर सकती यार। काफ़ी सही, बहुत अच्छा है ये, है इसमें कम्फर्ट है। बातें करते जाता हूँ इनसे, मतलब नए लोगों से मिलना, नई बातें करना, यही सब तो चाहिए ट्रैवलिंग में। व्यू यहाँ का यार, ये मैं भी हूँ मिड वियतनाम में, जो मतलब बहुत पतला सा छोटा सा है मिड वियतनाम। मेरे एक साइड है कंबोडिया, हाँ कंबोडिया है, और एक साइड पूरा जो ओशन है वो है। बनकुन एक रोल जैसा है, मतलब यहाँ का, यहाँ हर जैसे नॉर्थ साइड में उनका अलग डिश मिलता है, मिड वियतनाम में अलग डिश मिलता है, साउथ में अभी पता नहीं क्या आएगा। इन यहाँ का ब्रेकफास्ट और स्नैक जैसा है, ये ऊपर रोल है किसी आटे का कि क्या पतला सा, अंदर थोड़ा नूडल्स है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, मशरूम है, और इसे इसके साथ खाते हैं गार्लिक और चिली, कच्ची मिर्चियाँ खाते हैं यहाँ पे, मतलब स्पाइसी खाते हैं ग्रीन चिली। काफ़ी सही लग रहा है मेरा। यार जो अभी खाया उसमें मतलब पॉर्क भी था, मैंने अभी इंटरनेट पे देखा वो मशरूम के साथ साथ उसमें पॉर्क भी है, बट टेस्टी था भाई, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो अब से पॉर्क खाना स्टार्ट यहाँ पे। ये डिश तो रेगुलर खाऊंगा, मतलब उसमें स्प्राउट्स था, बीन्स था, बहुत ही अच्छा टेस्टी डिश था यार, बहुत काफ़ी सही लगा। तो यार यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब मौसम पूरा घिरा हुआ है। फिर मैंने अपने प्लान में शेयर दी है थोड़ी सी चेंज, और अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ यहाँ से और 150 किलोमीटर नाथरांग, क्योंकि यहाँ से मैं कल मतलब और एक बीच करके नाथरांग निकलने वाला था, बट अभी बारिश का ऐसा मौसम है तो मैं सोच रहा हूँ अभी नाथरांग जाके वहीं अच्छे से स्टे करूँगा, बिकॉज वहाँ भी बीचेस है और अच्छा डील मिल गया मेरे को हॉस्टल का। तो अब इनके साथ ही डायरेक्टली नाथरांग जा रहे हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, कम ऑन। बाय। तो इन्होंने मुझे सिटी से छोड़ दिया है, 10 ही किलोमीटर है यहाँ से, ये था ट्रक। अब हम चले सिटी, यहाँ से 8-10 किलोमीटर होगा, सो वहाँ से मैं चले जाऊँगा। हाँ नो नो, 8-10 किलोमीटर में यहाँ से बस लेके डायरेक्टली हॉस्टल में निकल जाऊँगा। सही में काफ़ी कमाल बंदा था वो ट्रक वाला, उसका छोटा सा बेबी था 1 साल का, उसने वीडियो कॉल पे दिखाया, इतना क्यूट और गोलू मोलू था यार। अब यहाँ से कल मेरे को यहाँ से ही होची में निकलना है 2 दिन बाद, अभी तो यहाँ नातरांग है 10 किलोमीटर,
10 क्या 12 13 ही होगा, तो अभी वहाँ जा रहा हूँ। 3 किलोमीटर के लिए भी लिफ्ट मिल गई है, ये लेडी ने लिफ्ट दी है। यहाँ से मुझे 15 किलोमीटर ड्रॉप करेंगे मेरे हॉस्टल तक, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब इसमें 2-3 मिनट्स में हर लिफ्ट मिल गई है वाली, तो काफ़ी सही है। वो लेडी ने मुझे पूरा मेरे हॉस्टल तक ही छोड़ दिया, सामने मेरा हॉस्टल है, उन्होंने पूरा, वो उनका डेस्टिनेशन तो वहीं था, वो वहीं जा रही थी, बट वो पूरा घूम के आके मुझे छोड़ के भी गई। क्या सही लोग मिल रहा है, लग बहुत अच्छा चल रहा है अभी फ़िलहाल तो।